सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। तो आज हम लोग अपने वन ब्लॉक में बनाने जा रहे हैं स्नो सिटी, क्योंकि जो हमारा पुराना पोलर बियर था वो तो मर चुका था। तब हम फिर से बनाएंगे एक स्नो सिटी। तो उसके लिए मैंने एक एनविल भी लगा रखा है। एनविल तो मैंने ऐसे लगाया, एनविल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो कल हमने वो बनाया था, क्या कहते हैं उससे, एक्सपी फार्म, उस पर बहुत सारे बोर्स आ रहे हैं, यानी कि उससे हमें बहुत सारे बो एंड एरो मिले जा रहे हैं। तो देखता हूँ अभी माउस स्पॉन हो रखे है कि नहीं, और उससे जो भी बोज मिल रहे हैं ना, यानी कि जो बो होते हैं वो बहुत ही कम हेल्थ के। ओ मैं गिरने वाले तक ही मिला हो रहा है, मैं गिरने वाले से पहले स्क्रीपर को मारो भाई, इन सबको तो मार दूँगा। मर जा। अरे तो चलो, और कल जब मैं फिशिंग कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही खतरनाक चीज मिली, और वहाँ से मेरे को मिला एक बहुत ही खतरनाक बो, और यहाँ पर एक एंडरमैन भी स्पॉन हो रखा था, जिससे मुझे पहली एंडर पर्ल मिली। और मैं जब फिशिंग कर रहा था तो मेरे को वहाँ से मिली एक बहुत ही खतरनाक वाला बो। तो उस बो को हम अपने बाकी के बो से प्लस करने आ रहे हैं, यानी उससे हम एक अच्छा सा बो बना देंगे। तो जाके दिखाता हूँ मैं आपको उस बो में कैसी कैसी एन्चेंटमेंट लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मॉब स्पॉन हो रखे हैं, और इस लावा ने मेरी बीच की जो स्टेयर है वो भी जला दी है। ये देखो मुझे कितना सारा सामान मिला, देखो कितना सारे पुफर फिश, कितना सारा रोटन फ्लैश, बहुत सारे सैलमन भी है मेरे पास, एक नेम टैग मिला, और ये है वो खतरनाक बो अनब्रेकिंग 3 और फ्लेम 1 वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रखी है। और इसे अलग ही हो रहा है, गिर जा। तो चलो अपनी स्नो सिटी बनाने के लिए सारे मटेरियल ले लेते हैं। स्नो सिटी के लिए हमें चाहिए होगी स्नो, जो कि आती है स्नो गोलेम से, तो स्नो गोलेम के लिए भी स्नो ही की होती है। जल्दी से देख दो मेरे पास स्नो पड़ी है कि नहीं पड़ी। मेरे ख्याल से मैंने स्नो अपनी इस वाली जगह पर रखा होगा, स्नो होनी चाहिए भाई। स्नो नहीं है ये भाई, होनी चाहिए स्नो, लगता है ऊपर ही रखी हुई है। इस जगह पर तो स्नो बॉल्स है और 4 स्नो भी है। चलो, और ये रही कार्व्ड पम्पकिन। तो पहले एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड टाइप का बनाना होगा, ग्राउंड बनाना होगा मेरे को, जिसके लिए चाहिए होगी डर्ट। तो पहले जगह चूज़ कर लेते हैं कि कौन सी जगह बनाऊंगा। डर्ट तो मैं वापस से लेकर आ जाऊंगा और उससे बना दूंगा। तो पहले जगह देख लेता हूँ कौन सी जगह ठीक रहेगी। मेरे ख्याल से मेरे को, हाँ समझ आ गया, मेरे को इस जगह से लेके जाना चाहिए और उधर बनाऊंगा मैं अपनी स्नो सिटी। तो चलो मैं जाकर अपनी, जब मैं ग्राउंड बनाने के बाद मिलता हूँ आपसे। गाइस मैंने जगह बना ली है, बस एक स्लैब बच रखा है मेरे पास। अब यहाँ पे लगानी है टॉर्चेस, तो लगा लो भाई, जितनी टॉर्चेस है सब लगा लो, ज़्यादा भी नहीं है बट हो जाएंगे यहाँ तक के लिए। तो मैंने यहाँ पर स्लैब का यूज़ करा है और यहाँ से कोबलस्टोन हटा दिया है, तो सब जगह लगा दो। और यहाँ पर अब मैं फेंसिंग भी करूँगा। तो फेंसिंग करने के लिए मेरे पास हैं 40 ओक फेंस और 40 जंगल फेंस, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, इतने से तो काम हो जाएगा। चलो लगा लो। जो मेरे घर के बगल वाली फेंस है उससे तो मैं कई बार गिर रखा हूँ नीचे, क्योंकि मैंने वहाँ फेंसिंग ही नहीं कर रखी है। एक दिन मैं पूरी जगह पे ही फेंसिंग कर दूँगा, गिरूँगा ही नहीं फिर मैं। और ये मेरी ब्रांड न्यू फिशिंग रॉड है, पुरानी वाली तो मैंने वही चेस्ट में रख दिया, वो जो वाली चेस्ट जिसमें मैं फ़िशिंग वाला सामान रखता हूँ, फिश फार्म के बगल वाली जो चेस्ट है उसी पे रख दिया मैंने अपनी पुरानी फिशिंग रॉड। हेल्थ उसकी कम है, ये ख़त्म हो गई। वैसे मैंने इधर भी लगाया, इसे मैं इधर लगा लेता हूँ ना इसके बगल में। अब जंगल फैंस लगा देते हैं, अजीब लग रहा है, जंगल फैंस भी है, ओक वाली फैंस अलग है, जंगल वाली फैंस अलग है। तो चलो लगा दो लग जा भाई। तो अभी मेरे पास टोटल 2 डायमंड्स हैं। 2 डायमंड से मैं या तो अपनी एक स्वॉर्ड बना सकता हूँ, जो कि अभी मेरे को बनानी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बनानी है अपनी एक पिकैक्स, वो भी डायमंड वाली, तो उसके लिए बस एक डायमंड और मिल जाए, तो चाहे ऑब्सिडियन भी आ जाए तो मैं उसे माइन कर सकता हूँ। तो
तो इतनी जगह पे तो फेंसिंग करती है, अब यहाँ भी कर दो, यहाँ यहाँ जहाँ, मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। हाँ मुझे लगा ही था नहीं होगा, थोड़ी सी तोड़ लेता हूँ एक तो फेंस यहाँ से, यहाँ पे लगा देता हूँ इन फेंसों को। अरे लग जा, को बराबर होना चाहिए भाई। हाँ चलो अब बराबर है। तो अब हमें स्पॉन करना है स्नो गोलेम, बस अभी बारिश ना हो जाए फिर मेरे सारे स्नो गोलेम को मार देगी वो बारिश। तो पहले यहाँ से टॉर्चेस तोड़ो भाई, तोड़ दो क्योंकि मैं फेंस पे लगाऊंगा टॉर्चेस। मेरे को लगा बारिश को लग गई, तो टॉर्चेस अभी मैं साइड में फेंस पे लगाऊंगा क्योंकि टॉर्चेस बीच में अटकेंगी तो हमारी स्नो सिटी नहीं बन पाएगी। चलो चलो लगा दो, बीच का डर है बस बीच में कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए। वैसे मैं अपना गेम मोड पीसफुल कर पीसफुल में कोई मॉब स्पॉन नहीं होता, होता भी है तो मार नहीं पाता मैं, बट पीसफुल में करना क्या है भाई, हमारा मॉब फार्म भी तो रुक जाएगा। एक्सपी फार्म सॉरी, लगा दो यहाँ पर लगा दो, बीच में लगाऊंगा बस एक दो टॉर्चेस। चलो तोड़ो बाकी के, तोड़ दो सारी टॉर्चेस तोड़ दो बाकी के। चलो काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब हम स्पॉन करते हैं अपना स्नो गोलेम, ये वाली टॉर्चेस तोड़ दो भाई, ये भाई मैं क्या तोड़ रहा हूँ। चलो टॉर्चेस तोड़ दो, अब हम अपना स्नो गोलेम को स्पॉन कर देते हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, ऐसे में ये स्नो टूटती है तो भाई यार ये तो स्नो बॉल में मिल रही है, मेरे को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। चलो हमारा स्नोमैन स्पॉन हो चुका है भाई, अब तुझे पूरे इस जगह के चक्कर मारने हैं जिससे तू यहाँ पूरी जगह पे स्नो कर दे। अभी एक यहाँ पे ऐसे में स्पॉन नहीं होता क्या भाई स्नो गोलेम, भाई हो जाता तो अच्छी बात रहती। मेरे पास वैसे बहुत सारे, अच्छा एक बना सकता हूँ ऐसे, मेरे पास वैसे भी बहुत सारे होते। अरे लग जा, चलो अब मैं लेड लेकर आता हूँ इन्हें, फिर पूरे ग्राउंड के चक्कर मरवाऊँगा। और यहाँ पर एक सफ़ेद घोड़ा भी स्पॉन हो रखा है मेरे को, वहाँ से एक सैडल भी मिल रखा है तो टाइम रहकर हम इसे भी पकड़ लेंगे, कैप्चर कर लेंगे इसको। तो चलो पहले लेड देखता हूँ, लेड होनी चाहिए भाई, अदर वाली चेस्ट में रखी होगी। इतने सारे वो स्पॉन हुए थे, क्या नाम है, हाँ है वॉन्डरिंग ट्रेडर, वो लामा को लेकर आता और मैं उनके लामा को मार देता हूँ और साथ में वॉन्डरिंग ट्रेडर को भी। बस एक दो लामा पकड़ रखे हैं, देखो एक जगह से हिल ही नहीं रहे हो भाई, अगर तुम लोग हिलोगे नहीं तो मेरे पास स्नो कैसे आएगी, तुम्हारी स्नो सिटी कैसे बनेगी। प्लीज़ चल आजा, चलो अब घूम रहा है पूरे मैदान का चक्कर लगाओ उससे, आजा। पहले वाले स्नो गोलेम तो बारिश आते ही मर गए थे, जैसे ही बारिश हुई थी स्नो गोलेम मर गए, अभी ये नहीं मरेगा। अच्छा, अरे भाई घूम के आना। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा, चल अच्छा। भाई तू भी हिले, तू क्यों नहीं हिल रहा है। चलो। अरे भाई घूम कर आना जैसे पूरी जगह बर्फ में बदले। लग जा भाई। तो गाइज मैं आपको पूरी जगह पर घुमाने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैंने लगभग तो इसके चक्कर मरवा दिए थे बट मेरे खुद के हाथ दुखने लग गए, मैं जैसे ही इसको चक्कर मरवा रहा
आधे से ज़्यादा स्नो तो अपने आप ही गायब हो जा रही है यहाँ से, तो वो अपने आप ही चक्कर मार लेंगे। तो कोई नहीं, अब रात भी होने वाली है, तो चलो मैं जल्दी से घर पे सो जाता हूँ और फिर आपसे सुबह भी हो चुकी है, चलो चलते अपनी स्नो सिटी में। अरे स्नो गोलम किधर गए भाई? भाई स्नो गोलम किधर गए? एक मिनट भाई, यहाँ पे स्नो गोलम थे, स्नो गोलम की स्नो ही बची है अभी बस, किधर गए भाई? यहाँ पे तो स्नो गोलम है ही नहीं, बारिश भी नहीं हुई थी रात को, फिर कहीं ज़ॉम्बी तो नहीं आ गए थे भाई यार? चलो ऐसी भी तो बना सकता हूँ मैं। चलो चलो भाई, तीन ही बने भाई, चार बनने चाहिए थे, यहाँ पर तो सिर्फ तीन ही बने। बट भाई मेरे पास पंपकिन भी नहीं है, सब चेक कर लेता हूँ। तो चलो एक स्नो गोलम स्पॉन कर देते हैं, लग जा। अरे भाई आगे नहीं लगना है, पीछे लगना है, पीछे। चलो हमारा स्नोमैन स्पॉन हो चुका है, स्नोमैन स्नो गोलम कुछ भी कर। चलो गाइस हमारी स्नो सिटी बन चुका है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी काम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।